बिलासपुर गोलीकांड के विरोध में बीजेपी का धरना प्रदर्शन, अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद, मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने की उठाई मांग। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर सवालों के घेरे में बंबर ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल ने बंबर ठाकुर पर उठाए सवाल, कहा पिता और बेटे को तुरंत करना चाहिए गिरफ्तार। बिलासपुर गोलीकांड मामला, शूटर ने किए चौंकाने वाले खुलासे, आरोपी के टच में था बंबर ठाकुर का बेटा, एसपी विवेक चहल ने दी जानकारी। विधायक सुधीर शर्मा ने सीएम सुक्खू को घेरा, कहा हमीरपुर में सीएम का कम हो रहा जनाधार, इसलिए देहरा की तरफ बढ़ रही है मुख्यमंत्री। अम्मे सांसद अनुराग ठाकुर का हुआ भव्य स्वागत, अनुराग ठाकुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जताया आभार, कहा हिमाचल के विकास में नहीं रहेगी कोई कमी। एनएसयूआई ने एनटीए के खिलाफ किया प्रदर्शन, एनटीए और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की उठाई मांग। जिला स्वास्थ्य विभाग ने नाहन में की समीक्षा बैठक, सीएमओ सिरमौर डॉक्टर अजय पाठक ने की अध्यक्षता, गर्भवती महिलाओं और शिशु सुरक्षा पर हुई चर्चा। नाहन में गौकशी के मामले में माहौल शांतिपूर्ण, मुख्य चौक चौराहों पर भारी पुलिस बल तैनात, पुलिस ने बाहर से भी बुलाए सुरक्षाकर्मी। ज्वाली में बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे लोग, तहसीलदार के जरिए सीएम सुक्खू को भेजा ज्ञापन, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। शिमला में बड़ी जाम की समस्या, गर्मी से बचने के लिए शिमला पहुंच रहे पर्यटक, 20 दिनों में पहुंचे 2.5 लाख पर्यटक वाहन, पर्यटकों के आवागमन से बड़ी जाम की समस्या।